بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to online classes of Iqra Uffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. Class prep 6 में lecture number 20 है आज हमारा. Exercise number 3.2 in progress थी हमारी last lecture में. Question number 1 और 2 हमने cover करा था exercise 3.2 का. आज question number 3 start कर रहे हैं. बुक में पेज नंबर 90 आपके सामने होना चाहिए. पेज नंबर 90 पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 1 में अननाइन फ्रैक्शंस को किस तरीके से प्लस के प्लस किया जाता है वो देखा था हमने. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में अननाइन फ्रैक्शंस में किस तरह माइनस परफॉर्म होता है इसको देखा था. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अननाइन फ्रैक्शंस है और उनके दरमियान प्लस और माइनस साइन अगर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. मतलब एक ही सवाल में प्लस साइन भी आ गया माइनस साइन भी आ गया इसको सॉल्व करना है. लेकिन सेम प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा फर्स्ट पार्ट देखिए 5/6 प्लस 3/4 माइनस 1/6. फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद हमने एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करा है. 5/6 प्लस साइन था प्लस साइन आ गया 3/4 आ गया माइनस 1/6 आ गया. अभी इस 2 3 और 2 को अभी इग्नोर करेंगे. अब हमें मालूम है 5/6 3/4 और 1/6 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं. हम कह सकते हैं 5/6 और 1/6 लाइक फ्रैक्शंस हैं लेकिन बीच में यहाँ पर 3/4 भी मौजूद है. इस बात का मतलब ये कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 6/4/6 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना होगा. बाय डिवीजन मेथड रफ कॉलम में आएंगे 6/4/6 का एलसीएम लेंगे. अब 6/4/6 तीनों इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स 2 से सॉल्व हो सकते हैं. 2 को पिक करेंगे 2 3 जार 6 2 2 जार 4 2 3 जार 6. अब 2 3 2 3 लिखा हुआ है इसका मतलब अब अगेन 2 यूज करना पड़ेगा. 2 यूज करेंगे 3 सॉल्व नहीं हो सकता 3 एज इट इज आ जाएगा. 2 से यूज करा 2 1 जार 2 2 से 3 सॉल्व नहीं होगा 3 एज इट इज आ गया. अब अगेन 3 क्योंकि 3 है सिर्फ 3 प्राइम नंबर है प्राइम नंबर्स की सॉल्व होगा 3 3 1 जा 3 ये 1 आ जाएगा आ गया और 3 1 जा 3 एलसीएम हमारे पास क्या बना 2 2 3 तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 इज इक्वल टू 12 आपके पास क्या आ गया एलसीएम आ गया. अब 12 एलसीएम तो आ चुका है हमारे पास. अब यहां पर हम 6 का डिविजन ये जो हमारा जो 12 एलसीएम आता है उसको यहां पर आउट ऑफ वाली लाइन को हम एक्सटेंड करके बनाते हैं और नीचे यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं 12. अब 6 का टेबल इतना रीड करें तो 12 आ जाए 6 वन जार 6 6 टू जार 12. 6 के टेबल में 12 कब आया 2 से आया. इस बात का मतलब यह है कि 2 जाके 5 से ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 टू जार 10 आपके पास 10 आ गया. प्लस साइन था प्लस साइन आ गया. अब 4 का टेबल रीड करें 4 के टेबल इतना रीड करेंगे 12 आ जाए 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12 आ गया 12. 4 के टेबल में 12 कब आया 3 से. अब 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 9 आ गया. माइनस साइन था माइनस साइन आ गया. अब 6 का टेबल रीड करें 6 1 जार 6 6 2 जार 12 तो 6 2 जार 12 होता है इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 आ जाएगा. अब 10 प्लस 9 10 प्लस 9 करेंगे 19 आएगा. 19 में से माइनस करेंगे 2 को 17 बचेगा या 17 अपॉन 12 या 17 अपॉन 12. अब 17 अपॉन 12 हमें मालूम है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स बनाया जाता है. तो मिक्स बनाने के लिए हमने यहां पर देखिए डिवाइड को फॉर्म करेंगे 17 को डिविडेंड बनाएंगे 12 को डिवाइजर बनाएंगे. 12 का टेबल 1 तक रीड कराओ 12 1 जार 12 17 में से 12 माइनस करो आपके पास क्या आया 5 बच गया. अब आपको मालूम है जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर में जाता है और जो यहाँ पर डिवाइड में मौजूद होता है 12 को 12 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो होल आ जाएगा. तो 1 होल 5/12 हमारा फाइनल आंसर हो गया. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखिए. पार्ट 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां लिखा हुआ है 3 होल 2/3 मिक्स फ्रैक्शन दी गया है प्लस 10 दिया हुआ है सिर्फ 10 है इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ
हमेशा याद रखें, कोई भी नंबर लिखा हो और उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, वन लगा सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेन अपॉन वन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये टेन अपॉन वन लिखा हुआ है, माइनस थ्री होल वन अपॉन फोर है। अब मैं देख रहा हूं कि सवाल में मिक्स फ्रैक्शन आ चुकी है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाया जाएगा। अब जहां पर इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बना हुआ तो ये थ्री एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर में इलेवन कैसे आया, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री का टेबल थ्री तक पड़ा, थ्री थ्री जार नाइन, नाइन प्लस टू इलेवन, यहाँ आ गया इलेवन, ये हो गया इलेवन अपॉन थ्री, प्लस साइन था प्लस साइन आ गया। मैंने कहा टेन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या होता है, वन होता है, हम देखेंगे इसको टेन अपॉन वन, ये टेन अपॉन वन आ गया, माइनस ये माइनस साइन आ गया। अब यहाँ पर जो फोर है ये फोर एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब फोर का टेबल थ्री तक रीड करें, फोर थ्री जार ट्वेल्व, फोर थ्री जार ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, ये आ गया थर्टीन आपके पास, थर्टीन अपॉन फोर हो गया आपके पास। अब हम देखें जो अनलाइक फ्रैक्शन है, थ्री इलेवन अपॉन थ्री प्लस टेन अपॉन वन माइनस थर्टीन अपॉन फोर, तो थ्री वन फोर का हमें एलसीएम देना है, तो वन को इग्नोर कर दें, वन वन का एलसीएम की जरूरत नहीं है आपको, थ्री और फोर का एलसीएम लेने से, थ्री और फोर का जब एलसीएम लेंगे तो टू से सॉल्व करा, थ्री सॉल्व नहीं हो सकता, थ्री एज इट इज आ गया, टू से फोर को सॉल्व करा तो टू आ गया, अगेन टू से किया थ्री सॉल्व नहीं हो सकता, थ्री को एज इट इज से किया, टू के टेबल में टू वन से आएगा ही वन आ गया, फिर थ्री से सॉल्व करा, थ्री वन जा थ्री और ये वन एज इट इज आ गया, एलसीएम क्या बना टू टू थ्री, हमने यहाँ पर लिख दिया टू मल्टीप्लाई टू फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये ट्वेल्व आ गया, एलसीएम आ चुका है आपके पास ट्वेल्व। अब थ्री का टेबल इतना रीड करोगे ट्वेल्व आ जाए, थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, तो थ्री के टेबल में ट्वेल्व कब आता है, फोर से आता है, इसका मतलब इलेवन मल्टीप्लाई होगा फोर से, इलेवन मल्टीप्लाई होगा फोर से तो फोर्टी फोर आ गया, प्लस साइन था प्लस साइन आया। अब वन का टेबल रीड करें, वन का टेबल जितना रीड करेंगे ट्वेल्व आ जाए, तो वन के टेबल में ट्वेल्व किससे आएगा, ट्वेल्व से ही आएगा, तो वन ट्वेल्व जार ट्वेल्व, तो ट्वेल्व जाके टेन से मल्टीप्लाई होगा, टेन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ट्वेल्व को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वन हंड्रेड ट्वेंटी आएगा, माइनस साइन था माइनस साइन आ गया। अब फोर का टेबल इतना रीड करें कि ट्वेल्व आ जाए, फोर वन जार फोर, फोर टू जार एट, फोर थ्री जार ट्वेल्व, फोर का टेबल आपने थ्री तक रीड करा तो ट्वेल्व आ गया, इसका मतलब थर्टीन थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री थर्टीन जार थर्टी नाइन। अब 44 में 120 प्लस करें, 44 में प्लस करेंगे 120 को, यहां देखिए 120 में 44 प्लस करा तो 164 आया, 164 में से हमने माइनस करवा दिया 39 को, 164 में से 39 माइनस का आपके पास क्या आएगा, 125 आ गया। अब आ गया 125 डिवाइड बाय 12, इसको जब सॉल्व करेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको क्या बनाना होता है, नेक्स्ट बनाना होता है, ये 12 तो एज इट इज यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए अगर मैं डिवाइड परफॉर्म करूँ इसमें यहाँ पर आपके सामने 125 12 से इसको सॉल्व करना है, 12 का टेबल आप इसको ऐसे करें 12 10 डाल करने डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 12 10 का 120 आएगा, माइनस का आपके पास क्या बन गया 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो रिमाइंडर आता है हमारे पास उसको ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइड में यहाँ पर 12 मौजूद है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है, और जो क्वेश्चन आता है हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा 10, तो 10 आ गया, 10 होल 5.12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैंने यहां पर बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा है, बुक आप सामने रखें। क्वेश्चन 5 मैंने यहां पर कंप्लीट बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ, मैं बुक में से रीड कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप अपने पास बुक सामने रखें और पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस, सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9, सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 का मतलब क्या है कि दो फ्रैक्शंस को हमने प्लस किया, सम का मतलब होता है प्लस, दो फ्रैक्शंस को हमने क्या करा प्लस करा तो जवाब आया 9। If one of them is 5 whole 1 upon 2, अगर उनमें से एक फ्रैक्शन जो है वो 5 whole 1 upon 2 है, find the other, दूसरी वाली फ्रैक्शन क्या होगी आपने क्या करना है मालूम करना है,
ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सम ऑफ टू फ्रैक्शंस, अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं फ्रैक्शंस नहीं है, कोई नंबर्स है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स हैं, दो कोई भी नंबर्स है मुझे नहीं मालूम कौन से नंबर्स हैं, उनको प्लस किया गया तो क्या आया 9। ठीक है, अब वो कौन से नंबर्स है मुझे नहीं मालूम। पहले लाइन में लिखा था सवाल की इफ सम ऑफ टू नंबर्स, टू फ्रैक्शंस को प्लस करा गया तो क्या आया 9 आया। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक नंबर जो है वो 6 है, एक नंबर क्या है 6 है, तो दूसरा क्या होगा ये मालूम करना है। अब ये मालूम करना है तो 6 में कितना प्लस करोगे 9 आ जाए। वैसे तो हमें मालूम है 3 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, लेकिन हम क्या करें 9 में से 6 को माइनस कर दें। 9 में से 6 क्या करें माइनस करें, 9 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, तो सेम काम हम फ्रैक्शन के लिए भी करेंगे। फ्रैक्शन में भी यही बात इसी मेथड को यूज करते हुए सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 9। सम ऑफ टू फ्रैक्शंस क्या है 9 है, ये वाली वैल्यू क्या है 9 आ गई। वन ऑफ देम इज उनमें उसमें से एक बता दी गई आपको 5 होल 1.2, उनमें से एक जो है 5 होल 1.2 है, यानी जहां मैंने 6 लिखा वहां पर क्या आ गया 5 होल 1.2। सो अदर फ्रैक्शन इज, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली फ्रैक्शन है ये आपने मालूम करनी है। तो हम करेंगे 9 में से 6 की जगह पर अगर ये 5 होल 1.2 लिख दूं तो 9 में से 5 होल 1.2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमने लिख दिया सो अदर फ्रैक्शन इज 9 माइनस 5 होल 1.2। अब 9 के नीचे मैंने अभी बताया था यहाँ पर जैसे 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पर भी 9 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 लगा सकते हैं -5 होल 1.2। अब 5 होल 1.2 नेक्स्ट फ्रैक्शन में पहले इसको क्या करेंगे इम्प्रॉपर बनाएंगे, 2 एज इट इज आ गया, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 करेंगे 11, ये आ गया 11/2। 9/1 -11/2, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे हमें मालूम है 2 एलसीएम आएगा, 2 से सॉल्व हो सकता है, ये ऑलरेडी मान है 2 1 जा 2 तो 2 ही एलसीएम आएगा, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आया 2 आया। अब 1 का टेबल इतना रीड करोगे 2 आ जाए, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो इसका मतलब 2 से आ रहा है 9 2 18 आ गया, माइनस साइन था माइनस साइन। 2 का टेबल इतना रीड करोगे 2 आ जाए, तो 2 1 2 के टेबल में 2 किससे आता है 1 से आता है, इसका मतलब 1 जाके 11 से उठता होगा, 11 11 11, 18 में से माइनस करेंगे 7 11 को, 18 माइनस 11 करेंगे, 18 माइनस 11 करेंगे आपके पास 7 आएगा, अब ऑल में 2 है ये 2 आ गया। अब 7/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स बनाएंगे डिवाइड परफॉर्म करेंगे, 7 को डिविडेंड बनाया 2 को डिवाइजर बनाया, 2 का टेबल 3 तक रीड करा 6 आया, 7 माइनस 6 करेंगे 1 बचेगा। अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 था, ये 2 एज इट इज आ गया, जो रिमाइंडर होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो क्वेश्चन आता है हमारे पास उसको होल में लिखते हैं, तो हो गया 3 होल 1/2। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने समझा दिया, 4 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में प्लस परफॉर्म होगा या माइनस मैं आपको एक बार समझा देता हूं। कह रहे हैं मारिया स्पेंड 3/8 ऑफ हर मनी ऑन मंडे, मारिया ने जो मंडे वाले दिन पैसे स्पेंड करे हैं खर्च करे हैं वो 3/8 है, एंड 7/10 ऑफ इट ऑन ट्यूजडे। ठीक है, और 7/10 कब खर्च करे हैं, 7/10 उसने ट्यूजडे को खर्च करें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मारियास मनी, उसके पास जो मारिया के पास जितने भी पैसे थे उसने कितना फ्रैक्शन वाज स्पेंट ऑन 2 डेज, इन 2 दिनों में उसके पास जितने भी पैसे थे उसका कितना फ्रैक्शन उसने क्या कर दिया स्पेंड कर दिया खर्च कर दिया। तो मारिया स्पेंड ऑन मंडे 3/8 ये लिखेंगे, मारिया स्पेंड ऑन ट्यूजडे 7/10 ये लिखेंगे, और फिर 2 डेज का सम करके बता देंगे, यानी 3/8 + 7/10 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा कि 2 डेज में उतने कितना मारिया ने कितना स्पेंड करा। क्वेश्चन 5 मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन 7 आपके सामने बोर्ड पर सॉल्व हुआ हुआ है। देखिए इसको यहां कह रहे हैं इन अ फेयर 7 स्पेंड ₹50 होल 1/2, 7 ने पैसे जो खर्च करे वो 50 होल 1/2 स्पेंड कर दिए, व्हाइल हिज सिस्टर और जो उसकी सिस्टर है उन्होंने 75 होल 1/4 पैसे जो है खर्च करे।
ठीक है, हाउ मच डेड बोथ स्पेंड एट देयर फेयर, ठीक है। अब फेयर मतलब यहाँ पर किसी मेले में गए हैं वो, ठीक है, किसी जगह घूमने गए हैं, वहां झूले वगैरह लिए होंगे सही और राइड वगैरह ली होगी, तो साथ में कितने पैसे खर्च करें, 50 होल 1.2, और उनकी सिस्टर ने खर्च करे हैं 75 होल 1.4 सही। अब यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा सात स्पेंड, सात ने कितने खर्च करे इज इक्वल टू रुपीज 50 होल 1.2, हिज सिस्टर स्पेंड, उनकी सिस्टर ने कितने खर्च करे 75 होल 1.4, ठीक है। अब दोनों के मिला के बता रहे हैं बोथ स्पेंड्स, बोथ मतलब दोनों के, दोनों ने टोटल कितना स्पेंड करा, तो हम क्या करेंगे जो भी साथ ने स्पेंड करा उसको और जो उनकी सिस्टर ने स्पेंड करा इन दोनों को क्या करनी है, प्लस करनी है। तो 50 होल 1.2 जो कि साथ ने स्पेंड करा था प्लस 75 होल 1.4 जो कि उनकी सिस्टर ने स्पेंड करा था। अब दोनों में एक्सप्रेशंस हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इसको और इसको दोनों को इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो यहां देखिए इम्प्रॉपर बनाया था 2 एज इट इज आ गया, 2 का टेबल 50 तक, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 1 करेंगे 100 आ गया, 100 1 आ गया, प्लस साइन था प्लस साइन आ गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 75 से, ठीक है। 4 का टेबल आप कहां तक रीड करेंगे, 75 तक रीड करेंगे, 4 को 75 से रीड करेंगे, तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूं अभी, 4 को 75 से रीड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 300 के अराउंड वैल्यू आएगी, यहां पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको मैं भी सही कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने 4 को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 75 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब रफ में करके देखिएगा, 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, ठीक है, 75 75 150, देन 75 75 150, तो 150 150 कितना हो जाएगा 300। अब रफ में करके देखिएगा 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, 300 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 301, ठीक है। अब यहां पर 2 हमारे पास ये मेक्स इम्प्रॉपर हो गया, प्लस साइन आ गया, ये मेक्स भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, यहां आ गया 101/2 प्लस ये हो गया 301/4। अब हम क्या करेंगे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, यहां देखिए 2 और 4 का एलसीएम लिया हमने, ये 2 1 2 देन 2 2 4 अगेन उसे किया 1 एज इट इज आ गया, ये 2 1 2 तो कितना हो गया 2 2 4, ये 2 2 4 आ गया, यहां ऐसे आया 4, 2 का टेबल इतना रीड करेंगे 4 आ जाए, 2 1 2 2 2 4, इसका मतलब 101 किससे बनता हुआ 2 से, 101 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 202, ठीक है, 2 1 2 2 0 0 2 1 2 202 आ गया, प्लस साइन था प्लस साइन आ गया, देन 4 का टेबल इतना रीड करेंगे 4 आ जाए, तो 4 के टेबल में 4 कब आएगा 1 से, तो 1 जाके 301 से मिटाएगा, 301 से मिटाएगा, 301 आ जाएगा, 202 में प्लस करेंगे 301, तो 200 और 300 500, और ये 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे, तो 503 आ गया, 503 अपॉन 4 आ गया, 503 अपॉन 4 आ चुका है। अब हम बताएंगे यहां पर क्योंकि ये इम्प्रॉपर है इसको मिक्स बनाना होगा, मिक्स बनाने के लिए 503 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 503 को हमने 4 से डिवाइड करवाया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 4 1 4, 5 में 7 गया, 5 में से 4 गया 1 बच गया, ऊपर से 0 आ गया 10 हो गया, 4 2 8, 10 में से 8 माइनस करा आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 यहां से कॉपी कर लिया, 4 का टेबल 5 तक रीड करा ये 23 हो चुका था, 4 का टेबल 5 तक रीड करा 20 आ गया, 20 में से 23 में से 20 माइनस करा 3 आ गया। अब जो रिमाइंडर हमारे पास आया है इस रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, यहां पर जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज आ जाता है और जो आपका क्वेश्चन होता है वो 125 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब होम टास्क अपने पास नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड थर्ड और पार्ट 5 ये आपने करना है और इसके अलावा क्वेश्चन 4 और 6 आपको करना है। 3.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है लेक्चर नंबर 20 तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। मैंने आपसे कहा था बुक की जो वर्किंग है, बुक में जो काम करना है, कोई भी एक्टिविटी अगर बुक में आ रही है तो वो यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यूनिट 3 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक लेक्चर में जितनी बुक में वर्किंग है वो सारी मैं कवर आपको करवा दूंगा, ठीक है। अभी ये सारी हमारी
कॉपी में जितनी वर्किंग हो रही है उसके लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।